खबरों में बात करेंगे अब मुंबई की, जहां के फैशन स्ट्रीट में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। मुंबई का फैशन स्ट्रीट रेडीमेड कपड़ों का मशहूर बाजार है। यह आग एक ऐसे ही कपड़े की दुकान में तकरीबन 12 बजे के करीब भड़की और कई दुकानों को अपनी जद में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन 15 से 20 दुकानें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। बता दें कि वीकेंड होने की वजह से मार्केट में भीड़ भाड़ और हलचलें भी ज्यादा थी। ऐसे में आग लगने से कई लोग दहशत में आ गए। इस मशहूर कपड़ों के बाजार में 100 से अधिक दुकानें स्थापित है। आग तेजी से फैलने की वजह से स्थानीय प्रशासन ने फौरन ही तत्परता दिखाती हुई वहां पर मौजूद लोगों को हटा दिया और पूरा इलाका खाली करवा लिया। इसलिए अब तक किसी की जान माल की कोई खबर नहीं है। का दुकान भी जल गया, हमारा साड़ू का भी दुकान जल गया, हमारा बेटाउट का धंधा लगाता है लेडीज बैग का, मोजे का, वो भी जल गया, सब जल के राख हो गया साहब जी, कुछ नहीं बचा है। मेरा नाम हीरालाल गुप्ता है सर, हमारा सब जल गया, कुछ नहीं बचा। कब आग लगी और किस प्रकार से आग? अरे साहब जी, ये तार शॉर्ट कर गया, उधर से ही आग लगा है। कितना टाइम नहीं देगा, कितना देर से लगा है, सब जल के राख हो गया साहब जी, कुछ नहीं बचा पाया मैं, बचाया वो भी जल के राख हो गया।